इस बीच रशिया ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी धमकी दी है। रशिया ने कहा कि हमें छेड़ा गया तो कयामत का दिन आ जाएगा। पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने इस धमकी को दिया है। रूस को तोड़ने की साजिश पश्चिमी देशों के द्वारा रची जा रही है, मेदवेदेव का दावा। रूस यूक्रेन के बीच 6 महीने से भी ज्यादा समय से जंग जारी है। रूस ने इस उम्मीद से यूक्रेन पर हमला किया था कि वो आसानी से उस पर फतेह हासिल कर लेगा, लेकिन पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका की मदद से यूक्रेन डट कर रूस का सामना कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की यूक्रेन को दी जा रही मदद से रूस बौखलाया हुआ है, और अब रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी धमकी दे दी है और साफ कहा है कि अगर उसे छेड़ा गया तो वो कयामत ला देगा। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है कि रूस को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाएगा, और अगर अमेरिका ने ऐसी कोशिश की तो रूस कयामत ला देगा। मेदवेदेव ने साफ कहा कि रूस के परमाणु हथियार इस महान देश की रक्षा करने की गारंटी है, यानी रूस परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा, और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। मेदवेदेव ने सन 1991 के सोवियत संघ के विघटन के पीछे भी पश्चिमी देशों का ही हाथ बताया और कहा कि वैसी ही कोशिश एक बार फिर से की जा रही है, जो कयामत ला देगी। और क्रीमिया के सेवस्तोपोल शहर में जबरदस्त विस्फोट देखने को मिला है। ब्लैक सी के पास सेवस्तोपोल सिटी है। क्रीमिया पर रूसी सेना का कब्जा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक फ्रंट क्रीमिया भी है, जहां यूक्रेन ने जबरदस्त हमला बोला है। क्रीमिया के सेवस्तोपोल शहर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। पिछले कई हफ्तों से क्रीमिया में जंग भयावह हो गई है। पिछले हफ्ते रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ गोला बारूद बरसाए। यूक्रेन ने हमला क्रीमिया के काफी अंदरूनी इलाकों में किया। यूक्रेन के निशाने पर रूस के गोदाम और भंडारण रहे हैं। पिछले दिनों यूक्रेन ने सेवस्तोपोल के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एयरबेस बेलबेक पर धमाका किया था। आपको बता दें कि क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। सेवस्तोपोल रूस के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन क्रीमिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला कर रहा है। पिछले हफ्ते ही यूक्रेन ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हुए उसके 9 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया था। इस हमले ने यूक्रेन की सामर्थ्य भी दर्शाई थी कि वो रूस के काफी अंदर तक हमला कर सकता है। रूस लगातार अमेरिका पर आरोप लगाता रहा है कि उसके समर्थन से ही यूक्रेन इस तरह के हमले कर पा रहा है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।